الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال في موضع آخر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मताए आम नहीं है खुसरवियो दरवेशी मताए आम नहीं है खुसरवियो दरवेशी कब एक शख्स में होते हैं ये हुनर पैदा मताए आम नहीं है खुसरवियो दरवेशी कब एक शख्स में होते हैं ये हुनर पैदा जलाल का पैकर बना कुवा का हर पैवंद उम्र के बाद हुआ है कहां उम्र पैदा रहबर उमर आका उमर मुर्शद उमर मौला उमर बरतर उमर बाला उमर आला उमर औला उमर जाते नबी पाक पर सौजान से शैदा उमर ईमान में ईकान में एहसान में यकता उमर माबाद खत्मुल मुरसली कोई नबी उठना नहीं ये सिलसिला चलता अगर तो एक नबी होता उमर बादे बहारी की तरह गुजरा इराको रूम से बादे बहारी की तरह गुजरा इराको रूम से अबरे करम बनकर उठा ईरान पर बरसा उमर आका मेरे सिद्दीक भी आका मेरे फारूक भी एक तरफ मौला अली हैं एक तरफ मौला उमर मेरे वाजिबुल एहतराम काबिले सद एहतराम फैसलाबाद के गयूर नौजवानों और दोस्तों ये शहादत कॉन्फ्रेंस जो तवील अरसा से कारखाना बाजार में 7 मुहर्रम को मुनाकिद होती है और अंजमन मदनिया खलीलिया की तरफ से ये हनफिया की तरफ से ये अजीमुशान प्रोग्राम नहायत उसको एहतशाम से मुनक़द होता है मुझे बड़ी खुशी है कि इस मर्तबा भी
आप हजरात हजारों की तादाद में यहां तशरीफ लाए हैं, हाफिज इसहाक साहब और सलीम साहब और उनके तमाम रुफका मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इस अजीम प्रोग्राम का इनेकाद किया। मुझे भी आज के लिए इंतहाई इसरार के साथ दावत दी गई है। मैं कल से शदीद बीमार हूं, मैं इस्लामाबाद में था और बीमारी की हालत में यहां पहुंचा। मैंने बड़ी मिन्नत समाजत भी की कि बगैर तकरीर के मेरी जान छूट जाए, लेकिन यहां के साथियों ने कहा कि जब तक आप जिंदा हैं तकरीर जरूर होगी। मेरे भाइयों, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है कि ऐ अल्लाह, फारूक आजम की अजमत के सदके मुझे बोलने की तौफीक दे और मेरी कमजोरी ये सेहत को दूर फरमा। मेरे भाइयों, खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना मोहम्मद जियाउल कासमी साहब और हमारी जमात के माया नाज मुनाजर और मुमताज आलिम हजरत मौलाना अली शेर हैदरी साहब के मारका तुलारा बयानात आपके सामने हो चुके हैं। उन्होंने अपने अपने अंदाज में नहायत खूबसूरत रंग में आपके सामने सिपाही सहाबा का मौकफ पेश किया है। मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि आज आपके सामने उस हस्ती का जिक्र करूं जिस हस्ती को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 अहादीस और बशारतों से जिसको मुजय्यन किया और जिसकी वजह से कुरान पाक की 27 आयतें उतरी, जिसकी राय पर अल्लाह का कुरान उतरा, हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की हस्ती, उनकी शान आप लोग सुनते रहते हैं, उनके कारनामों से सारी दुनिया मुस्तफीद हो रही है। फारूक आजम ही तो हस्ती है जिसके बारे में जॉर्ज विल्सन ने दी 100 नामी एक किताब में जो अमेरिका से छपी है उसमें 100 बड़े आदमियों का जिक्र किया और उसका 100वां एडिशन छपा तो उसमें भी तीसरा नंबर फारूक आजम का था। मैं चाहता यह हूं कि आज आपके सामने फारूक आजम की शान मैं अपनी जबान से बयान ना करूं, मौलाना हक नवाज झंगवी की जबान से बयान ना करूं। मैं आज आपके सामने फारूक आजम की शान किसी वली और किसी मुफक्कर की जबान से बयान ना करूं, बल्कि फारूक आजम की शान में अल्लाह के कुरान की जबान से बयान करूं और रसूलुल्लाह के फरमान के जबान से बयान करूं और तीसरे नंबर पर इतमाम हुज्जत के लिए ईसाइयों और यहूदियों, पारसियों, मजूसियों और सिखों और हिंदुओं के अकवाल फारूक आजम की शान में पेश करके आखिर में मैं फारूक आजम के बारे में खुमैनी का नुक्ता नजर पेश करके उम्मत को बताऊं कि जिस हस्ती के लिए कुरान ये मौकफ पेश कर रहा है, हदीस ये मौकफ पेश कर रही है और गैर मुस्लिम अकवाम दीगर वो ये मौकफ पेश कर रहे हैं, उस हस्ती के लिए एक आदमी जिंदीक और काफर का लफ्ज बोलता है और फिर अपने आप को इस्लाम का अलमबरदार कहता है और पाकिस्तान के अखबारात उसके एडिशन छापते हैं, उसकी अजमत के तराने गाते हैं, 3-3 लाख रुपया लेकर 11 फरवरी को हर साल ईरानी इंकलाब के नाम पर उसके कसीदे पढ़ते हैं, तो फैसला आज आप करें कि हम कुरान की बात माने, रसूलुल्लाह की बात माने या सहाबा की बात माने, हत्ता के 12 इमामों की बात माने या खुमैनी की बात माने, ये हमें यहां से आज फैसला करके जाना है। फारूक आजम को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं और कुरान की जबान में, नबी के फरमान की जबान में और पैगंबर अलैहिस्सलाम की अहादीस के बाद 12 इमामों की जबान में, जिनको शिया अपना इमाम कहते हैं, उनके बाद मैं ये पेश करना चाहता हूं कि जर्मनी के ईसाइयों ने फारूक आजम के बारे में क्या कहा, बरतानिया के जॉन मेजर ने फारूक आजम को क्या कहा, पंडित नेहरू ने फारूक आजम को क्या कहा,
एडवर्ड गिब्बन ने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में 22 जिल्दें जो किताब लिखी है उसमें फारूक आजम को क्या कहा, रूसो ने क्या कहा, शेक्सपियर ने क्या कहा, वेदरक ने क्या कहा, जितने भी अंग्रेज मुअर्रख और मुस्तशरक दुनिया में गुजरे हैं उनमें से एक शख्स ऐसा नहीं जिसने फारूक आजम की बुराई बयान की हो, एक शख्स भी ऐसा नहीं। जितने बड़े दानश्वर हैं, इस्लाम पर हमले उन्होंने जरूर किए, इस्लाम पर तनकीद की, पैगंबर की अजवाज मुतहरात पर ताने तानो तशनी की, इख्तलाफ किया, अपने बुग़्ज़ का मजहरा किया, लेकिन जब फारूक आजम की तारीख का हवाला आता है, फारूक आजम की दरवेशी को देखते हैं, फारूक आजम की अजमत को देखते हैं, तो चाहे जर्मनी का ईसाई हो, अमेरिका का ईसाई हो, पूरी दुनिया का कोई मुस्तशरक हो, फारूक आजम की अजमत के सामने सर रख कर कहता है कि इससे बड़ा इंसान इस मादर गेती की कोख से किसी ने जना नहीं। आप चाहते हो, थक तो नहीं गया हूं, वक्त काफी हो गया है, 1 बज रहा है, मैं तो बीमार हूं, आप तो बीमार नहीं हैं। अगले साल डी ग्राउंड कटांगे इंशाल्लाह। है तवज्जो आपकी? है ना तवज्जो? मेरे भाइयों, कुरान पाक में एक आयत मैंने पढ़ी और उसको समझने के लिए आपकी तवज्जो की जरूरत है। आप मुकम्मल तवज्जो मेरी तरफ करेंगे तो बात समझ में आएगी, ठीक है? समझ में आ रही है बात? पूरी तवज्जो आप करेंगे। मेरा दावा यह है कि फारूक आजम को दरमियान से निकालकर कुरान कुरान ही नहीं रहता, यह मेरा दावा है। और कुरान पाक की 40 पेशीन गोइयां दुनिया में पूरी नहीं होती। फारूक आजम को निकालो और उन आयात का मतलब मुझे समझा दो। मेरे भाइयों, कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुवल्लजी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह वो जात है जिसने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक को सदाकत देकर भेजा, सच्चाई के साथ भेजा। और मकसद बेसब क्या है, नबी के आने का मकसद क्या है? इस आयत में नबी के आने का मकसद कुरान ने बयान किया है कि बेसब पैगंबर का मकसद यह है, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि पूरी कायनात में इस्लाम का गलबा हो। पूरी कायनात में यह पैगंबर अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा हो। पूरी दुनिया में क्या था, जब हजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो दो बड़ी ताकतें थी, एक ईरान की और एक रूम की। जिस तरह आज अमेरिका या कुछ अरसा पहले रूस की ताकत थी, दो बड़ी कुव्वतें हैं। इसी तरह दुनिया में दो बड़ी कुव्वतें रसूलुल्लाह के वक्त थी, ईरान और रूम की। और कुरान यह खबर दे रहा है कि ईरान और रूम पर इस्लाम का गलबा होगा, इस्लाम की शान और शौकत होगी, इस्लाम की अजमत होगी, इस्लाम की रिफत होगी, इस्लाम गालिब आएगा। किस पर? कैसरे रूम पर, किसरा ईरान पर। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया से रुखसत हुए तो अभी तक ईरान पे इस्लाम का गलबा नहीं हुआ था, अभी तक रूम पर इस्लाम का गलबा नहीं हुआ था। अगरचे कुरान पाक की इस आयत की रोशनी में गलबे के काम शुरू हो चुके थे, पैगंबर के दौर में शाम पर फौजें चढ़ चुकी थीं, नबी के दौर में उर्दन के इलाके के लिए सहाबा की फौजें जा चुकी थीं, लेकिन ईरान और रूम दुनिया की दो बड़ी ताकतें थीं। उस वक्त दुनिया के 70 मुल्क थे, 70 मुल्कों में ईरान के मतहत हर वो मुल्क था जो बुत परस्त था, जो आतिश परस्त था, जो मुशरक था, वो ईरान के मतहत था, और जो अहले किताब था वो रूम के मतहत था, क्योंकि रूम ईसाइयों का मुल्क था। यहूदी भी रूम के मतहत थे, साबी भी रूम के मतहत थे, ईसाई भी रूम के मतहत थे। शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान ये कहता है कि रसूलुल्लाह की आमद का मकसद पूरी दुनिया पे गलबा इस्लाम है, पूरी दुनिया पे इस्लाम का गलबा है, लेकिन जब पैगंबर दुनिया से गए तो गलबा बज़ाहिर नजर नहीं आता। यह गलबा हुआ कब है? शाह साहब कहते हैं कि रसूलुल्लाह दुनिया
میں 23 سال رہے، یہ بات صحیح نہیں، بلکہ پیغمبر کا دور نبوت صرف 23 سال نہیں بلکہ 53 سال ہے کہ 23 سال پیغمبر خود زندہ رہے، اور بعد والے جو 30 سال ہیں صدیق و عمر اور عثمان و علی کے، یہ 30 سال بھی حقیقت میں پیغمبر کا دور ہے، حقیقت میں نبوت کا دور ہے، حقیقت میں رسالت کا دور ہے، اس لیے کہ کام نبی نے شروع کیا، پورا صدیق نے کیا، کام نبی نے شروع کیا، پورا فاروق نے کیا، تعمیر پیغمبر نے شروع کی، چھتوں تک عمر فاروق پہنچا، عمارت پیغمبر نے شروع کی اور مکمل فاروق اعظم نے کیا۔ اب کوئی کہے کہ اس عمر فاروق کافر تھا، صدیق کافر تھا، جو قلعہ نبوت تعمیر کر رہی ہے اس قلعے کی چھت تو ڈال کر دکھاؤ، اس قلعہ کو پورا تو کر کے دکھاؤ، وہ قلعہ پورا کیسے ہوا، فتوحات کیسے ہوئی، لجد ہی رہو الدین کلی، یہ غلبہ اسلام کا کیسے ہوا۔ آؤ، قرآن کہتا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ تیری وجہ سے غلبہ اسلام کا دنیا میں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر عمر کافر ہو، عثمان کافر ہو اور ابو بکر صدیق کافر ہو، یہ غلبہ تو پیغمبر کے دور میں نہیں ہوا، صدیق کے دور میں ہوا، عمر کے دور میں ہوا، عثمان کے دور میں ہوا۔ اگر یہ کافر ہو تو اس آیت کا مطلب بتاؤ۔ قرآن کہتا ہے لیظہرہ علی الدین کلی، کہ محمد مصطفیٰ کا دین روم پہ بھی غالب آئے گا، ایران پہ بھی غالب آئے گا، خضرہ پہ بھی غالب آئے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ انطاکیہ کے دروازے پہ مسلمانوں کی چمکتی ہوئی تلواریں جائیں گی، لاشیں گرتی رہیں گی، سمندروں میں مسلمان ذبح ہوتا رہے گا، لیکن فاروق اعظم کی جرأت و ہیبت سے شہنشاہ ایران کا تاج عمر کے قدموں میں رونتا جائے میرے نبی نے فرمایا سراقہ بن جاشم، تیرے ہاتھوں میں میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں، وہ کنگن تو فاروق اعظم کی فوجوں نے لا کر اس سراقہ کے ہاتھوں میں ڈالے تھے۔ نبی نے پیغام دیا ہے کہ ایسا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، کہ ساری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ ہو۔ اسلام کا غلبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ روم بھی فتح ہو، کسرا ایران بھی فتح ہو، یہ اسلام کا غلبہ ہے۔ یہ تو رسول اللہ کے بعد ابو بکر و عمر کے دور میں فتح ہوا، کیونکہ ساری کائنات ان دو ملکوں کے متحد تھی۔ جب یہ دونوں ملک زیر و زبر ہو گئے اور دنیا نے دیکھا کہ فاروق اعظم نے 10.5 سال تک اسلام کا پرچم لہرایا، 10.5 سال تک فاروق اعظم نے 3600 علاقے فتح کیے، 1500 جامعہ بڑی جامعہ مسجدیں بنائیں، 4000 چھوٹی جامعہ مسجدیں فاروق اعظم نے بنائیں۔ کہاں مدینہ، کہاں مراکش کی وادی، کہاں مدینہ، کہاں مکران کا ساحل، کہاں مدینہ، کہاں افریقہ کے جزیرے، کہاں مدینہ، کہاں روڈس کی وادیاں، کہاں مدینہ، کہاں طرابلس کے پہاڑ، اور کہاں مدینہ، کہاں پہاڑ، کہاں مدینہ، کہاں سمندروں کا خروش، کہاں مدینہ، اور کہاں کافروں کے جزیرے۔ ایک ایک جزیرے میں اذان کس نے دی، ایک ایک بادشاہ کو قتل کر کے اسلام کا پرچم کس نے لہرایا؟ بتاؤ، ہرکل کا سر کس نے کاٹا، کسرا کا سر کس نے کاٹا، کیسر کے ٹکڑے کس نے کیے، اور جب جل کے ٹکڑے کر کے عمر کے پاؤں میں لا کر کس نے رکھے؟ قرآن کہتا ہے کہ روم پہ غلبہ ہوگا، ایران پہ غلبہ ہوگا، عمر کو نکال کر غلبہ تو ثابت کرو۔ مجھے بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی۔ پھر فاروق اعظم کی اس فوج کو بھی لوگوں نے دیکھا کہ جب قیصر روم اور کسرا ایران کی جنگ تھی، ایران کی لڑائی شروع تھی، فاروق اعظم کے بارے میں طبری کہتا ہے کہ عمر ساری رات تڑپتا رہتا، سوتا نہیں تھا۔ صبح ہوئی، فاروق اعظم 10 بجے اس سڑک پہ جا کر کھڑا ہو جاتا تھا جس سڑک سے قافلہ ایران اور عجم سے آتا تھا۔ کئی دنوں کے بعد ایک آدمی تیز رفتار گھوڑا دوڑا کر آ رہا ہے۔ فاروق اعظم راستے میں کھڑے، کہا ٹھہرو، کوئی پیغام لائے ہو، کہاں سے آئے ہو؟
उसने कहा उमर फारूक के नाम मैं एक पैगाम लाया हूं। क्या पैगाम है? पैगाम यह है कि शहनशाह ईरान का ताज उतार लिया गया है। ये पैगाम है ये कि यज़दजर का लड़का भाग गया, यज़दजर मैदान छोड़ गया, मुसलमानों ने ईरान के किले पे इस्लाम का परचम लहरा दिया। फारूक आजम रास्ते में खड़े हैं, कासद नहीं जानता था कि ये फारूक आजम है। कासद घोड़ा दौड़ा रहा है, उमर फारूक उसके साथ साथ भागे जा रहे हैं। जब मदीना के शहर में दाखिल हुए तो लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, जब अमीरुल मोमिनीन कहा तो वो घोड़े वाला बेहोश होकर गिर पड़ा कि मैं तो कलाम उमर फारूक से कर रहा था। फारूक आजम फरमाते थे इनकी बातें छोड़ो, मुझे बताओ फतह कैसे हुई, इनकी बातों को छोड़ो, ये बताओ मुसलमान कितने शहीद हुए, ये बताओ कि किला किसने फतह किया, ये बताओ कि यज़दजर भागा कैसे, ये बताओ कि शहर के टुकड़े कैसे हुए, ये बताओ कि सल्तनत खाक में कैसे मिली, मुझे बताओ। खबर कुरान दे रहा है कि ईरान पे गलबा होगा, रूम पे गलबा होगा, ये खबर किसने दी थी? कुरान ने। और कुरान ने किसी काफर के हाथ पे गलबे की खबर देनी थी? किसी मुनाफिक के हाथ पर देनी थी? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, के सारी दुनिया के दीनों पर मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत गालब आएगी। और ये गलबा फारूक आजम के दौर में हुआ, अगर उमर फारूक के दौर में नहीं हुआ तो मुझे बताओ कि कैसर रूम का ताज उतार कर अबू अबैदा बिन जर्रा के पास जब एक आदमी आया मैदान जंग में, तो अबू अबैदा ने कहा था जो ताज कैसर रूम का लाएगा मैं उसके साथ उसकी बादशाहत में हिस्सा दे दूंगा, अपनी लड़की से शादी कर दूंगा, उसको इनाम दूंगा। लेकिन रात की तारीकी में एक शख्स ताज उतार कर कैसर रूम का अबू अबैदा की झोली में डालता है। अबू बैदो ने बाजू पकड़ लिया और कहा तू नाम तो बता दे, तुझे इनाम दे देंगे। उसने कहा जिस खुदा के लिए ताज उतार कर लाया हूं वो मेरा नाम जानता है। मुझे बताओ गलबा इस्लाम का किसके दौर में हुआ? बुलंदाबाद से गलबा इस्लाम का किसके दौर में हुआ? आगाज हजूर अल इस्लाम ने किया, इख्तिताम खुलफाए राशिदीन ने किया, और गलबे का हुक्म कुरान ने दिया। वो गलबा अबू बकर उमर के दौर में हुआ। आज भी सिपाही सहाबा कहती है कि पूरी दुनिया में गलबा सिर्फ पाकिस्तान से जमहूरियत के नाम पर नहीं होगा, मुतनासिब नुमाइंदगी के नाम पर नहीं होगा। अगर आज गलबा चाहते हो तो आज भी गलबा खिलाफत के उनवान पर होगा, खिलाफत राश्ता के उनवान पर होगा। ओए इतनी दुनिया का मुसलमान है, 1.5 अरब मुसलमान है, और पूरी दुनिया के 22 अरब मुल्क है, और पूरी दुनिया में 41 से ज्यादा 45 के करीब मुसलमानों की रियासतें, बल्कि अब तो 50 रियासतें बन गई। 1.5 अरब मुसलमान हो, तेल इनके पास हो और सारी दौलत इनके पास हो, रबड़ इनके पास हो, सोना इनके पास हो। हाय 3.5 लाख आदमी बोस्निया में जिबा कर दिया गया, कोई नहीं बोला। कश्मीर की बेटियां 50,000 बेटियां नीलम के दरिया में बहा दी गई, किसी ने नहीं पूछा ऐ काश आज फारूक आजम होता, ऐ काश आज खिलाफत का दौर होता, बोस्निया के सरब यहूदियों के टुकड़े कर देता, इस्लाम की फौजें भारतीय दरिंदों को खाक में मिलाकर कश्मीर की बेटियों की आबरू की रखवाली कर। कुरान क्या कहता है? जा कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, के सारी दुनिया के दीनों पर इस्लाम का गलबा होगा। ये गलबा फारूक आजम के बगैर पूरी दुनिया की तारीख में कोई पेश नहीं कर सकता। आज खुमैनी कहता है कि उमर काफर था, अगर उमर काफर था तो गलबा उसके हाथों पे क्यों हुआ? उमर काफर था, 10.5 साल तक अली उल मुर्तजा उनके वजीर क्यों रहे? उमर काफर था, हसन हुसैन ने उनसे माली वजायफ क्यों लिए? उमर काफर था तो कैसर रूम के परखचे क्यों उड़ाए? उमर काफर था, 1,44,000 सहाबा उसके कदमों पे क्यों आए? उमर काफर था नाऊज बिल्ला, तो कुरान ने युज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, इस पेशीन गोई को फारूक आजम के हाथ पे पूरा क्यों किया? तवज्जो तवज्जो, मैं कुरान की जबान में फारूक आजम को लाना चाहता हूं। तवज्जो है, आपको बात समझ में आई है? लियुज़हिरहु अलद्दीनी कुल्ली, और कुरान ने एक दूसरी जगह फरमाया ज़ालिका मसलहुम फित्तौराति व मसलहुम फिल इंजील, ये जो खुलफा है, ये जो सहाबा है, इनका तज़करा तौरात में भी आ चुका है, इंजील में भी आ चुका है। ये किसने कहा?
بلند آواز سے. یہ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا. توجہ ہے میری طرف؟ واقعہ آپ نے تفصیل شاید سنا ہو، لیکن استدلال کے لیے میں دو منٹ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیت المقدس کو صحابہ کی ایک جماعت فتح کرنے گئی تو عیسائیوں کے پادری نے کہا کہ ہماری کتاب انجیل میں لکھا ہے کہ اگر تمہارے مقابلے میں محمد مصطفیٰ کے صحابی آئیں تو ان سے جنگ نہ کرنا، اگر جنگ کی تو شکست کھاؤ گے، بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں دے دینا. یہ کس نے کہا؟ پادری نے کہا. یہ پادری نے لفظ کہے صحابہ کو. صحابہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لاؤ چابیاں. انہوں نے کہا چابیاں آپ کو نہیں دیں گے، آپ اپنے خلیفہ کو یہاں بھیجو، خلیفہ آئے تو چابیاں اسے دیں گے. فاروق اعظم کو مدینہ منورہ میں پیغام بھیجا، صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی، کہ آپ آؤ گے تو چابیاں ملیں گی. فاروق اعظم نے اپنے غلام اسلم سے کہا، توجہ فرمائیں، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس پہ غور کریں. اپنے غلام اسلم سے کہا سواری تیار کرو. سواری تیار ہو گئی، اس سواری پہ فاروق اعظم سوار ہو گئے. غلام کے ہاتھ میں مہار ہے. کچھ دور جا کر حضرت عمر نے فرمایا سواری روکو. سواری روک دی. حضرت عمر سواری سے نیچے اتر آئے اور اتر کر وہ غلام کہتا ہے مجھے کہا تم سواری پر بیٹھ جاؤ. میں نے کہا کہ سواری شاید پانی پینے کے لیے روکی ہو، لیکن نہیں، پانی کے لیے نہیں، مجھے کہا تم سوار ہو جاؤ. میں نے کہا میں تو غلام ہوں. فاروق اعظم نے فرمایا تم غلام ہو لیکن بطور انسان کے تیرے اور میرے میں کوئی فرق نہیں. لاؤ کوئی ایسی چیز. حکمرانوں، حکمرانی کی یہ روح ہے، یہ ہے روح. فاروق اعظم سواری پہ سوار ہو گئے. توجہ فرمائیں، فاروق اعظم کا غلام سواری پہ سوار ہو گیا. فاروق اعظم نے مہار اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی. اب ایک ایک منزل پر حضرت عمر فاروق سوار ہوتے تھے، دوسری منزل پہ غلام سوار ہوتا تھا، اور فاروق اعظم اپنے غلام کو لے کر بیت المقدس پہنچے. اور جب بیت المقدس سامنے نظر آیا تو فاروق اعظم کے پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا. فاروق اعظم کے پاؤں میں جوتا تھا، وہ ٹوٹ گیا. اور باری بھی فاروق اعظم کے پیدل چلنے کی تھی، غلام کے سوار ہونے کی تھی. عمر فاروق نیچے اتر آئے، غلام رو پڑا، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ سامنے پادری کتابیں کھول کر بیٹھے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ غلام ایسا نادان ہے کہ آقا کو مہار پکڑا دی ہے. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ آج تو میں پادریوں کو دیکھ کر تجھے میں خود سوار ہو جاتا ہوں، قیامت کے دن رسول اللہ کو اس بے انصافی کا کیا جواب دوں گا؟ یہ تو بتاؤ. اسلم غلام کہتا ہے کہ میں سواری پہ سوار ہو گیا. اب دیکھو فاروق اعظم کے ایک ہاتھ میں مہار ہے، ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے. ایک ہاتھ میں مہار ہے، ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے. اور اسی حالت میں فاروق اعظم بیت المقدس میں داخل ہوئے. اسی حالت میں جب وہاں داخل ہوئے تو کون سی بات سچی ہو گئی؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. جب اندر داخل ہوئے، پادری کھڑے ہو گئے، کتابیں کھولی، نشانیاں دیکھیں، فاروق اعظم کو چابیاں لا کر دے دیں. چابیاں فاروق اعظم نے لی، اللہ کے دروازے پہ نماز شکرانہ ادا کی. شکرانہ ادا کر کے عمر فاروق باہر نکلے. ابھی باہر قدم رکھا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک خط لے کر عمر فاروق کے پاس آیا. یہ خط ہے. فاروق اعظم نے وہ خط دیکھا. خط فاروق اعظم نے دیکھ کر، تمام صحابہ بیٹھے ہیں، تمام صحابہ کی موجودگی میں فرمایا، خط پڑھ کر کہا کہ نہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. بس اتنا لفظ کہا. خط پڑھا اور خط پڑھ کر کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. صحابہ پریشان ہو گئے. ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی. انہوں نے کہا کہ باقی باتیں تو بعد میں کریں گے، چابیاں کیسے ملیں؟ جب لشکر آگے روانہ ہوا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، فاروق اعظم سے پوچھا امیر المومنین یہ بتاؤ وہ خط کیا تھا، خط کس کا تھا، یہ تو بتاؤ. فاروق اعظم نے فرمایا آج سے 45 سال پہلے میں اور میرا والد تجارت کی غرض سے یہاں آئے تھے. ہم جب تجارت کر کے یروشلم میں تھک جاتے تو بیت المقدس کی اسی دیوار کے سامنے میں تھک کر سو جاتا. ایک دن دیوار کے نیچے سائے میں سویا ہوا تھا. جب میری آنکھ کھلی تو ایک نوجوان لڑکا میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا. وہ کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی پاؤں کو دیکھتا، اور مجھے کہنے لگا تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں حجاز عرب سے آیا ہوں. اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عمر ابن خطاب.
प्रताप है, उसने कहा कि अगर तू मेरी बात बुरा ना माने तो मेरी तहकीक यह है कि तेरा नाम उमर इब्ने खताब है और तू मुसलमानों का एक खलीफा होगा। उसने फारूक आजम फरमाते हैं मैं उसकी बात सुनकर तअज्जुब करता रहा। उसने कहा अगर तू मेरी बात नहीं मानता तो पिंडली से कपड़ा हटाओ। फारूक आजम फरमाते हैं मैंने पांव की पिंडली से कपड़ा हटाया तो मेरे यहां निशान था। उसने निशान देखकर कहा ऐ अल्लाह गवाह हो जा यही मोहम्मद मुस्तफा का दूसरा खलीफा है, यही खलीफा है, इसलिए कि मेरी इंजील में लिखा है कि मुसलमानों का जो खलीफा होगा उसका चेहरा ऐसा होगा, उसकी मूछे, उसका जमाल ऐसा होगा, कद इतना लंबा होगा, बाई पिंडली पे निशान होगा, नाम उमर इब्ने खताब होगा। जब उसने ये बातें कही तो मैं उसकी बातें सुनकर तअज्जुब करता था। वो मुझे पूछने लगा क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए? मैंने कहा नहीं आए। मोहम्मद आएंगे? मैंने कहा मुझे तो कोई पता नहीं मोहम्मद कौन होंगे। फारूक आजम फरमाते हैं कि सारी बातें करने के बाद वो एक कागज ले आया, उस कागज पर वो मुझे कहने लगा ऐ उमर इस कागज पर लिख दे कि जब तेरी हुकूमत इस बैतुल मुकद्दस पर होगी तो ये सारी जमीन मैं तुझे दे दूंगा। फारूक आजम फरमाते हैं कि मैंने जान छुड़ाने के लिए उसे लिख दिया कि ये जमीन तेरी होगी, लेकिन आज जब बैतुल मुकद्दस की चाबियां लेकर मैं बाहर निकला तो वही मेरे हाथ का लिखा हुआ रुक्का मेरे सामने आ गया और उसने रुक्का देकर कहा कि यह जमीन मुझे दे दे अपने वादे के मुताबिक। फारूक आजम ने फरमाया ये मेरे इख्तियार में नहीं, ये मुसलमानों का माल है, मुझे तो यह पता नहीं था कि यह बैतुल माल का हक होगा। मैंने उनसे कहा मेरा इख्तियार नहीं है। मेरे भाइयों जब यह बात दुनिया में रोज़े रोशन की तरह आया हो गई तो कुरान की यह आयत भी सूरज की तरह चमकने लगी ज़ालिका मसलुहुम फित्तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। फारूक आजम को कुरान ने जो कुछ कहा वो सब आपके सामने है, ठीक है। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली सारी दुनिया के दीनों पर गलबा उमर फारूक के दौर में हुआ, ये कुरान ने कहा। ज़ालिका मसलुहुम फित्तौरात ये कुरान ने कहा। पैगंबर अलैहिस्सलाम से फारूक आजम आकर कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल मेरा जी चाहता है कि औरतों को कहो पर्दा कर लिया करें। हजूर फरमाते अपनी मर्जी से कैसे पर्दा करूंगा। उसी वक्त जिब्रील कुरान लेकर उतरा या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न। ऐ पैगंबर आज के बाद जो राय उमर ने फर्श पे पेश की है अरश पे वही राय कुरान बनकर उतर आई है कि आमद तक मुसलमान औरतों पे पर्दा लाजम कर दिया गया। जो राय उमर नबी के दरबार में पेश करे वो कुरान बनकर आए। खुमैनी कहे वो काफिर था, खुमैनी कहे वो जिंदीक था। तवज्जो तवज्जो फरमाए कुरान क्या कहता है। पैगंबर अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत में एक मरतबा है तवज्जो आपकी हजरत उमर फारूक ने खाना काबा का तवाफ करके फरमाया मेरा जी चाहता है कि मकाम इब्राहिम पे दो नफल अदा करूं क्योंकि इब्राहिम ने शिरक की जड़ें काट दी थी, इसलिए मेरा जी चाहता है मकाम इब्राहिम पे दो नफल पढ़ूं। हजूर ने फरमाया मेरा तो इख्तियार कोई नहीं, अल्लाह का हुक्म होगा। ये बात खत्म हुई तो उसी वक्त अल्लाह ने फरमाया जो राय जिब्रील जो राय उमर ने जमीन पे पेश की है वही राय लेकर जिब्रील चले जाओ और कुरान की आयत उतरी वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। जो राय उमर ने पेश की थी वो कुरान बनकर आई या नहीं आई? उमर फारूक नाउज बिल्ला काफर हो तो उसकी राय पे कुरान उतरता? और आगे तवज्जो फरमाए कुरान पाक की यह भी आयत है कि हजूर अलैहिस्सलाम को बताया गया कि अब्दुल्ला इब्ने उबई मर गया उसका जनाजा आप पढ़ाएं। अब्दुल्ला इब्ने उबई का लड़का सहाबी था, हजूर सहाबी की दिलजोई के लिए आपने मान लिया कि मैं जनाजा पढ़ाता हूं। था वो मुनाफिकों का सरदार, जनाजा पढ़ाने चले हजूर हजरत उमर ने फरमाया मेरी राय है कि आप जनाजा ना पढ़ाएं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने वादा कर लिया है और उसके बेटे की दिलजोई के लिए वादा किया। हजूर ने जनाजा तो पढ़ा लिया लेकिन जनाजा पढ़ाने के बाद कुरान की आयत क्या उतरी इन तस्तगफिर लहुम सबईन मरतन फलन यगफिर अल्लाह लहुम। ऐ पैगंबर तू 70 मरतबा भी इसकी जो है जनाजा नमाज जनाजा पढ़ेगा इसके लिए मगफरत की दुआ करेगा तो खुदा तब भी इसको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा और आज के बाद तुझे किसी मुनाफिक की जनाजा नमाज जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं है। वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्री। तुझे न मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ने की इजाजत है न उसकी कब्र पे खड़े होने की इजाजत है। जो राय उमर ने पेश की थी वही राय अल्लाह का कुरान बनकर आई। आई या नहीं आई? तो उमर फारूक और कुरान एक है, उमर फारूक और कुरान राय एक है। कहो राय और ये भी राय फारूक आजम की थी। जब हजरत आयशा पर तोहमत लगी सारे किसी सहाबी ने कहा और तहकीक करो, किसी सहाबी ने कहा शादी और कर लो, लेकिन फारूक आजम ने फरमाया या रसूलल्लाह आपकी शादी आयशा के साथ हमने कराई थी या खुदा ने कराई थी? तो
हजूर ने फरमाया मेरी शादी अल्लाह ने कराई थी, तो फारूक आजम ने फरमाया मेरा जी कहता है कि वो खुदा जो आपके जिस्म पे गंदी मक्खी नहीं बैठने देता, वो आपके बिस्तर पे गलत औरत को नहीं आने देगा, मेरा जी चाहता है कि मैं ऐलान कर दूं कि सुभाना का हाजा बोहतान और नजीम, कि आयशा पर यह बोहतान है। यह राय उमर की अभी खत्म हुई थी कि थोड़ी देर के बाद अल्लाह की तरफ से यही राय कुरान बनकर नाजिल हो गई और हजरत आयशा की सफाई में कुरान उतरा। शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान की सताई ऐसी आयतें हैं कि राय उमर ने पेश की और अरश से वो कुरान बनकर आई। फारूक आजम की राय पर अल्लाह का कुरान उतरा। आज खुमैनी कहता है कि उमर काफिर जिंदीक था, उसकी किताब कशफ असरार में ये बात आ चुकी है। पिछले हफ्ते वजीर आजम पाकिस्तान के सामने जब हमने मुलाकात की तो मैंने उसको याद दिलाया कि ये मेरे हाथ में कशफ असरार है, इसी कशफ असरार को मैंने 2.5 साल पहले तुम्हारे सामने पेश किया था और आज फिर यह किताब लाया हूं। इस किताब को जब्त नहीं किया गया, इस किताब को बंद नहीं किया गया, ये मेरे हाथ में किताब है। तवज्जो फरमाए मुसलमानों, मैं ये किताब हर जगह इसलिए पेश करता हूं ताकि आपको मालूम हो कि हमारा मौकफ रेत की दीवार पर नहीं है, हमारा मौकफ पत्थर की दीवार पर है, हमारा मौकफ इतना मजबूत है कि पहाड़ों से ज्यादा मजबूत है। यह मेरे हाथ में खुमैनी की किताब है, किताब का नाम है कशफ़े असरार। इस किताब के 119 सफ़े पे फारूक आजम ने लिखा, फारूक आजम के बारे में खुमैनी ने लिखा 119 सफ़े में कि मैं तवज्जो फरमाएं कि ई कलाम पस शुनीद ने ई कलाम अज इब्ने खत्ताब अजी दुनिया रफ उम्र फारूक ने रसूलुल्लाह के सराहने बैठकर ये बात कही कि हमें अल्लाह की किताब काफी है। हजूर अलैहिस्सलाम ने कागज कलम मांगा था, अल्लाह की किताब काफी कहा। तो खुमैनी कहता है कि ई कलाम यावा कि उम्र फारूक के इस नाउज बिल्ला बेहुदा कलाम सुनने के बाद हजूर तो दुनिया से चले गए लेकिन दुनिया को पता चल गया कि उम्र के दिल में कुफर था, उम्र के दिल में जंदका था, उम्र असली काफर और जिंदीक था। एक छोटी सी बात पर पैगंबर के उस खलीफा को खुमैनी ने काफर कह डाला, जिंदीक कह डाला। अब तुम फैसला करके बताओ कि मैं हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक्कि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, इसको मानूं या ज़ालिका मसलहुम फित्तौरात, इसको मानूं या पैगंबर अलैहिस्सलाम के कुरान की 27 आयतें जो उमर की राय पे उतरी उनको मानूं या खुमैनी की इस बकवास को मानूं। मैंने किसी को कुत्ता बिल्ला मत कहो, ठहरे मेरी बात समाप्त फरमाए। तवज्जो तवज्जो, ये है मेरे हाथ में किताब। मुझे कहा जाता है कि जनाब आप तलख बातें करते हैं, बिठाने आप तलख बातें करते हो, आप सख्त बातें करते हो, ये कहा गया। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि मैंने अपनी तरफ से तो कोई बात खुमैनी के बारे में नहीं कही, कही है भाई कोई बात कही है? मैंने तो कुरान पाक की रोशनी में फारूक आजम की शान बयान की, ठीक है, और उसके मुकाबले में मैंने खुमैनी का नुक्ता नजर पेश किया कि अब आप बताओ कि मैं अल्लाह के कुरान की बात मानूं या खुमैनी की बात मानूं। मेरे रसूल ने फरमाया लव कान अबादी नबी लकान उमर, मेरे बाद अगर किसी ने नबी बनकर आना होता, उमर का सर इस लायक था कि उसके सर पे नबुवत का ताज रखा जाता, मुझे बताओ मैं नबी की ये बात मानूं या खुमैनी की ये बात मानूं। फैसला करके बताओ, नबी की बात माननी चाहिए? मेरे रसूल ने काबे में खड़े होकर फरमाया था अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लामा बी उमर इब्न अल खत्ताब औ बी अमर इब्न हिशाम, ए अल्लाह इस्लाम को इज्जत देना चाहता है या उमर इब्न खत्ताब दे दे या अमर इब्न हिशाम दे दे, कौन कह रहा है? मोहम्मद मुस्तफा कह रहा है, सारी दुनिया का सरदार कह रहा है और कह भी अल्लाह के सामने रहा है, और मांगने वाला तो नबी हो और देने वाला खुदा हो और उसमें तुम कीड़े निकालो भाई खुदा की दी हुई चीज में और अल्लाह के नबी की मांगी हुई चीज में, और इस्लाम को इज्जत देने के लिए जो उमर अल्लाह से उमर ने मांगा, जो उमर पैगंबर ने अल्लाह से मांगा था उस उमर के बारे में खुमैनी कहता है कि वो काफर और जिंदीक था। मुझे फैसला करके बताओ कि उमर फारूक को इस्लाम की इज्जत के लिए मांगा गया, इस्लाम की शौकत के लिए मांगा गया, इस्लाम की बुलंदी के लिए मांगा गया, तो बताओ इस्लाम को बुलंदी मिली या नहीं मिली? बुलंद आवाज से उमर फारूक की वजह से बुलंदी मिली या नहीं मिली? उमर फारूक की वजह से ईरान
पे कब्जा हुआ या नहीं हुआ, रोम फतह हुआ या नहीं हुआ, इंताकिया फतह हुआ कि नहीं हुआ, 3,600 इलाकों पर इस्लाम का परचम लहराया गया या नहीं। और उमर फारूक सुबह 10 बजे कलमा पढ़ता है और जोर की नमाज जोर की अजान काबे में होती है। उमर ने यह फरमाया, यह नहीं हो सकता कि कलमा उमर पढ़ चुका हो और अजान दारे अरकम में हो, ये नहीं हो सकता। और पैगंबर ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम भी उमर इब्न अल खत्ताब, ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत देना चाहता है, उमर मेरी झोली में डाल दे। उमर पैगंबर की झोली में आया, इस्लाम को इज्जत मिली या नहीं मिली, बुलंद आवाज से मिली या नहीं मिली। और फिर वो उमर फारूक था जो खाना काबा में खड़े होकर कहता है कि सारे सहाबा ने खुफिया और छुप कर हिजरत की है, लेकिन उमर अलल ऐलान हिजरत कर रहा है। ओ अबू जहल, अगर किसी ने बच्चों को यतीम कराना हो, बीवी को बेवा कराना हो, तो उमर का रास्ता पहाड़ के दामन में आकर रोक कर दिखाए। उमर मोहम्मद मुस्तफा के हुक्म पे अलल ऐलान हिजरत कर रहा। उमर ने हिजरत की या नहीं की, बुलंद आवाज। मुझे बताओ, पैगंबर अलैहिस्सलाम की 40 हदीसें, हजूर ने फरमाया जिस गली से उमर गुजरता है उस गली से शैतान नहीं गुजरता। आज आप, आज का जो शैतान है, उमर फारूक का एक बैनर लगा दे, आज का शैतान नीचे से नहीं गुजरेगा, कहेगा इसको उतारो, क्योंकि नबी फरमा चुके हैं कि उमर जिस गली से तू गुजरता है उस गली से शैतान नहीं गुजरता। आए 40 साल हो गए, बाबे उमर का लफज जंग के अंदर लिखा हुआ है, और राफजी कहता है, उमर का दुश्मन कहता है, इस बाबे उमर के नीचे से हम नहीं गुजरेंगे। तू गुजरेगा कैसे, शैतान तो मदीने में नहीं गुजरता था, तू यहां कैसे गुजर जाएगा। तवज्जो है, मुझे आप बताएं कि हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह जालल हक अला लिसान उमर, के उमर की जबान पर अल्लाह ने हक को जारी कर दिया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मेरे भाइयों, हजूर ने फरमाया अबू बकर और उमर मेरे दो कान हैं। हजूर ने फरमाया कि उमर वो शख्स है कि जिसकी जबान पर हक जारी हो गया। हजूर ने फरमाया उमर इस्लाम की गैरत है। हजूर ने फरमाया उमर इस्लाम की हमीयत है। हजूर ने फरमाया उमर इस्लाम की हैबत है। बताओ हैबत है या नहीं है। अब तुम फैसला करके बताओ कि मैं कुरान की बात मानूं, मैं हदीस की बात मानूं, या खुमैनी की बात मानूं। बुलंद आवाज, कुरान की बात माने, माननी चाहिए। मुझे बताओ, हजरत हसन और हुसैन ने को हजरत उमर फारूक ने सालाना वजीफा मुकर किया 5,000 दिरहम। उनके बेटे ने कहा कि अब्बा जान हमारे लिए 2,000 दिरहम, हसन हुसैन के लिए 5,000। तो हजरत उमर ने फरमाया तुझे नहीं पता, जो नाना हुसैन का है वो तेरा नहीं है, जो अम्मा हुसैन की है वो तेरी नहीं है। गनीमत का माल आया, सारा माल तकसीम हो गया, लेकिन हजरत हसन हुसैन की के लायक कोई कपड़ा नहीं आया। फारूक आजम ने फरमाया मुझे चैन उस वक्त होगा जब इन शहजादों के लिए कोई कपड़ा पूरा आएगा। चुनाचे यमन में एक वफद भेजा, काफिला भेजा, वो यमन की चादरें लाया। जब वो चादरें हसन हुसैन ने जेवे तन की, तो फारूक आजम ने फरमाया सारे माल पर मुझे खुशी नहीं हुई, इन चादरों पर मुझे खुशी हुई है कि पैगंबर के शहजादों ने आज ये चादरें पहनी हैं और इनका दिल खुश हो गया। मेरे भाइयों, उनमें कोई लड़ाई थी, उनमें कोई इख्तलाफ था, उनमें कोई झगड़ा था। आज शिया कहता है कि अली और फारूक आजम में लड़ाई थी। मुसलमानों, ये बात याद रखो, दुनिया के अंदर ऐसा कोई मजहब नहीं जिस मजहब में हो कि खानदान नबुव्वत और सहाबा में लड़ाई साबित करो तो मजहब बनता है, अगर उनमें सुलह साबित हो जाए तो मजहब ही बाकी नहीं रहता। यानी सुलह की सूरत में मजहब बाकी नहीं रहता, लड़ाई साबित हो जाए तो मजहब बाकी है, और अगर सुलह साबित हो जाए जैसे हकायक है तो मजहब ही सारा खत्म। हजरत अली उल मुर्तजा हजरत फारूक आजम के पीछे हाथ बांधकर खड़े या नहीं खड़े, 10.5 साल तक फारूक आजम के पीछे नमाज हजरत अली ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हसन हुसैन ने पढ़ी या नहीं पढ़ी। तो उन्होंने तो पढ़ ली है, शियो तुम्हें क्या तकलीफ है। अगर वाकई तुम हसन हुसैन के नाम लेवा हो तो कहते जी ऊपर ऊपर से पढ़ ली, तो मैं भी कहता हूं कि तुम भी ऊपर ऊपर से सहाबा को मान लो, चलो ऊपर से मानो। तुमने तो लिख दिया है कि उमर असली काफर और जिंदीक था। हमने नवाज शरीफ से कहा जनाब हमारी तेरे साथ कोई जाती लड़ाई नहीं, ये किताबें इस मुल्क में छपेंगी
तो शिया के कुफर का ऐलान होता रहेगा और दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत हक और सदाकत की आवाज से हमें रोक नहीं सकती। रोक सकती है? हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ये तलखी खत्म हो, ये झगड़ा खत्म हो, एक इलाज है कि जिन लोगों ने किताबें लिखी उन लोगों को तख्तेदार पे चढ़ाया जाए, किताबों को जब्त किया जाए। ठीक है, खुमैनी ने किताब लिखी, खुमैनी तो यहां नहीं, जो खाना फरहंग ये किताबें तकसीम करता है उन्हें सजा दो, देनी चाहिए या नहीं चाहिए? ये नहीं हो सकता कि अबू बकर उमर को काफर लिखा जाए और मैं शिया को काफर ना कहूं, ये नहीं होगा। हाँ, हमारी लाशें तड़प जाएंगी तो फिर तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करो। मेरी जमात का 8 साल का बच्चा हो या 80 साल का बूढ़ा, जब तक एक बच्चा भी इस धरती पर मौजूद है, सहाबा को काफर कहने वालों को चौकों और चौराहों में काफर कहता रहे। ओ दानश्वरों, हमें ये कहते हो जनाब, ये तलख बातें करते, ये नरम बात है कि इस किताब के 115 सफे पे खुमैनी कहता है कश्फ असरार में कि अबू बकर से बड़ा दुश्मन कुरान का कोई नहीं, अबू बकर से बड़ा कुरान का दुश्मन कोई नहीं। ये किताब मेरे हाथ में, और इसी किताब के 107 सफे पे खुमैनी ने कहा कि मैं ऐसे रब को रब नहीं मानता जिसने उस्मान जैसे बदकमाश आदमी को खलीफा बना दिया। ये मेरे हाथ, ये है तवज्जो फरमाएं। अब आप मुझे बताएं कि गिब्बन ने एक किताब लिखी, हिस्ट्री लिखी है फारूक आजम पर, तवज्जो है आपकी? गिब्बन कहता है कि एक ऐसा मौका भी आया जंगे कादसिया के बाद कि मुसलमानों को मालूम हुआ कि दुश्मन की तादाद 60,000 है, तो सिपा सरार ने आकर जब ये बताया तो अमीर मुमिनीन ने पूछा कितने आदमी चाहते हो? सिपा सरार ने कहा कि 60,000 दुश्मनाने रसालत के मुकाबले में सिर्फ 30 गुलामों की जरूरत है। ये भी अजूबा ही है दुनिया में, 30। सिपा सलार को अमीर मुमिनीन ने फरमाया कि 30 थोड़े हैं, उसने कहा चलो 30 और साथ कर दो, 60,000 के मुकाबले में 60,000 के मुकाबले में 60। और फिर क्या हुआ कि 9,000 आदमी मैदान में आदमी मैदान छोड़कर भाग गए, 4,000 गिरफ्तार हो गए। ये सहाबा, ये जमात। और गिब्बन ने एक अजीब वाक्या लिखा, उसने कहा कि कैसर रूम ने एक आदमी भेजा था मदीना में कि ये मालूम करके आओ कि फारूक आजम के दौर में फतूहात क्यों होती, हर जगह पर इस्लाम का गलबा क्यों हो रहा है। उसने खबर दी थी, जाकर कहा हम बिल्लैल रुहबान व बिन्नहारी फुरसान, कि ये रात को मुसल्ले की पुश्त पर होते हैं और दिन को घोड़े की पुश्त पर होते हैं। उसने कहा इसका क्या इलाज है? गिबन कहता है, उसने कहा इस तरह करो कि जब मुसलमानों की फौज रूम से गुजरे तो 4-5 मील लंबी रूमी लड़कियों की कतारें लगा दो, मुसलमानों की फौज उन लड़कियों की तरफ देखेगी, उनका ईमान खत्म हो जाएगा, अल्लाह की नुसरत बंद हो जाएगी, काफरों को फतह हो जाएगी। गिबन कहता है कि बस इस बात का पता चला सिपा सालार को, उसने तमाम फौजियों को जमा किया, 30,000 सहाबा की फौज को जमा किया फारूक आजम के आर्डर से, और उसने कुरान की आयत सुनाई कुल्लिल मुमिनीन यगुज़ू मिन अब्सारिहिम, के मोमिनों से कह दो कि अपनी नजरें नीची करके चले। गिब्बन कहता है कि 30,000 सहाबा की फौज 5 मील लंबी लड़कियों की कतार से गुजर गई, एक शख्स ने भी नजर उठाकर नहीं देखा, तो जब वो गुजर गए तो लड़कियों ने कहा मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, खुदा की कसम ये इंसान नहीं है, ये तो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते। खुमैनी कहता है इनके दिल में ईमान ही नहीं था, ईमान के बगैर ये बात थी,
ईमान के बगैर ये पर्दा था, ईमान के बगैर कुरान के हकाम की पासदारी थी। मेरे भाइयों, अभी कुछ अरसा पहले जर्मनी में एक इदारा बना है, रिसर्च कमेटी बनी है, उसकी इंचार्ज एक लड़की है, बहुत बड़ी स्कॉलर है, 37 साल लड़की की उम्र है। न्यूज वीक ने लिखा है कि उस लड़की ने एक सेमिनार मुनक्कद कराया जर्मनी में इस बात पर कि पूरी दुनिया जब से बनी है सबसे बड़ा इंसानियत के हकूक का अलमबरदार कौन इंसान था। तो उस सेमिनार में 1000 दानश्वर पूरी दुनिया के शरीक हुए और उसमें फैसला यह दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसान जिसने इंसानों को कामयाबी और फलाह बख्शी वो उमर इब्ने खत्ताब है। जर्मनी में वो किताबें छप गई। उस लड़की ने 7000 अंग्रेजी की किताबें फारूक आजम पर जमा करके एक इंटरनेशनल लाइब्रेरी बनाई और उसमें उसने एक मकाले में लिखा कि उमर फारूक को सबसे बड़ा इंसान क्यों कहा गया, इसलिए कि फारूक आजम के पास एक आदमी शिकायत लेकर आया कि गवर्नर मिस्र के बेटे मोहम्मद बिन अमर ने मेरी पुश्त पर कोड़े मारे हैं और यह कहा कि मैं तो गवर्नर का लड़का हूं। फारूक आजम को जब शिकायत मिली तो फारूक आजम ने फरमाया कि गवर्नर के लड़के को गिरफ्तार करके मदीना में पेश किया जाए और उसके बाद गवर्नर अमर बिन आस से कहा जाए कि वो भी साथ आए। जब 8 दिनों की सवारी के बाद वो गवर्नर का बेटा आया तो फारूक आजम ने उस बद्दू से कहा कि जितने कोड़े तुझे इसने लगाए हैं ये कोड़ा पकड़कर इसी मोहम्मद बिन अमर की कमर पे लगाओ। अब वो कोड़े लगाता है, उसने 8 कोड़े लगाए, उसने कहा मेरी कमर पे भी 8 ही कोड़े पड़े थे, इसने भी 8 लगाए और उसके बाद फारूक आजम ने फरमाया कि अमर बिन आस की पुश्त पर भी एक कोड़ा मारो, इसको पता चले कि इसका बेटा गरीब लोगों की पुश्त पे कोड़े क्यों मारता है। तो उस बद्दू ने कहा कि अमर बिन आस ने तो मुझे कुछ नहीं कहा था, इसलिए मैं इसको कोड़ा नहीं मार सकता, मैं इसको माफ करता हूं। फारूक आजम ने गवर्नर मिस्र को सारी कौम के सामने एक लफ्ज फरमाया था, उस लफ्ज की बुनियाद पर जर्मनी की उस पारसी लड़की ने फारूक आजम को पूरी दुनिया इंसानियत का सबसे बड़ा हुकूक का अलमबरदार करार दिया। फारूक आजम ने फरमाया मता ताबत तुम व उम्महातुहुम अहरारन, ए अमर बिन आस तुम्हें क्या हो गया कि तुमने लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, हालांकि लोगों को तो उनकी माओ ने आजाद जना है। यह है एक लफ्ज मुसलमानों, एक लफ्ज है जो जर्मनी की एक पारसी लड़की ने कहा कि हिटलर को देखो, मसोलेनी जर्मनी के मसोलेनी को देखो और इसी तरह लेनिन को देखो, मार्क्स को देखो, इंजलस को देखो और अमेरिका के इब्राहिम लंकन को देखो, रोजवेल्ट को देखो और बर्तानिया के शेक्सपियर को देखो और दुनिया के अंदर इंसानी हकूक के जितने बड़े बड़े अलमबरदार आए हैं उन अलमबरदारों में एक उमर फारूक का यह जुमला कि मता ताबत तुम व उम्महातुहुम अहरारन, कि ए गवर्नर तूने लोगों को कब से गुलाम बना रखा है, इनकी माओ ने इन्हें आजाद जना है। सारी कायनात के सारे फलसफे सारी किताबें फारूक आजम की पांव की जूती पे कुर्बान। मेरे भाइयों, आप लोग कहते हो जी ये भुट्टो ने एक नारा लगाया था रोटी कपड़ा मकान का, हालांकि ये पुराना नारा था। मैं आपको इसकी असलियत बताना चाहता हूं कि ये नारा सिर्फ आज के दौर का नहीं है, सबसे पहले ये ऐलान इंसानी हुकूक का चार्टर, इंसानी हुकूक का सबसे पहला डिमांड ऑफ लेटर, इंसानी हुकूक का सबसे पहला मैनिफेस्टो, इंसानी हुकूक का सबसे पहला दस्तूर और मंशूर फारूक आजम ने पेश किया कि वालल हुकूमत इस्लामिया जिलिल जाय खुब्ज़ुन, के हुकूमत इस्लामी पर फर्ज है कि भूखे को रोटी दे और नंगे को कपड़ा दे और बेखानुमा को मकान दे और मरीज को मरीज के लिए इलाज कराए और
जाहिल को तालीम दे। पांच चीजें फारूक आजम ने पेश की हैं, रोटी कपड़ा मकान तालीम और सेहत, ये पांच चीजों का ऐलान करने वाला सिर्फ दुनिया में फारूक आजम है। आज जितने भी फलसफे पेश करते हो, कभी ताजरों की हड़ताल है, कभी बजट का शोर है, कभी महंगाई की बात है, कभी सल्तनतों के उतार चढ़ाव है, कभी असेंबलियां टूट गई, कभी इक्तदार डूब गया, कभी मिंबर बिक गए, कभी लोटे पे लोटा आ गया, कभी कोई चीज हो गई, कभी कहां हो गया। लेकिन मेरे भाइयों, आओ सारे फलसफे छोड़कर फारूक आजम के कदमों पे झुक जाएं, फारूक आजम के दरवाजे पे आएं और उम्र फारूक से कहें, ए उमर, जो सूरज तूने 1400 साल पहले जलाया था हमें उसकी रोशनी चाहिए, जो चांद तेरे घर में फरोजा हुआ था उसकी रोशनी चाहिए। ए उमर, तेरे दरवाजे पे आए हैं, अमेरिका का फलसफा फेल हो गया, वहां काले गोरों पर कोई काबू नहीं पाया जा सका, चोरी पर काबू नहीं पाया जा सका, रूस टूट गया, चीन टूट गया, फ्रांस टूट गया और पाकिस्तान में कोई निजाम कामयाब नहीं हुआ। ओ इंसानों, और फैसलाबाद के गयूर सुनियो, आओ सारी कौम से कहो, बोस्निया आजाद कराना है, कश्मीर आजाद कराना है, फलपायन आजाद कराना है, अरे तेरिया आजाद कराना है, बर्मा को आजाद कराना है, पाकिस्तान को अजमत अता करनी है, एटम बम बनाना है, आला तरक्की करनी है, पूरी दुनिया की चकाचौंध तरक्की में हाथ डालना है, तो सारी इंसानियत फारूक आजम के दरवाजे पे आए, फिर देखो आज का किसरा नहीं रहेगा, आज का कैसर नहीं रहेगा।